नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवा लर्निंग में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपने चैनल शिवा लर्निंग में आज से एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनिंग। इसमें हम कुछ ज़रूरी बातें, लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और तरीक़ों को एक्सप्लेन करेंगे, और जो ज़रूरी बातें, कानूनी सलाह, ये सब हम इसमें दिखाएंगे। तो गाइस, ये अपने इस कड़ी की पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, आज के लिए हमारा टॉपिक है एजुकेशन लोन, कि भारत में एजुकेशन लोन कैसे लें। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इसमें तरह तरह की वीडियोज़ आती रहती है एजुकेशन से रिलेटेड। तो गाइस, जो भारत में एजुकेशन लोन कैसे लें, तो सबसे पहले मैं बताऊं गाइस, भारत में एजुकेशन लोन लेना उतना आसान नहीं है, बट अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको लोन इजीली मिल सकता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो गाइस, अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है और 16 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये कोई RBI की गाइडलाइंस में है नहीं कि 16 से 35 साल एज होनी चाहिए, बट जो बैंक्स होते हैं उनकी पर्सनल होती है कि वो मानते हैं कि 16 से 35 में हमें देना चाहिए। इसके बाद इंस्टीट्यूट शुड बी रिकॉग्नाइज, जिस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और जो एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर, वो भी चाहिए होता है कि आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में कंफर्म हो गया है। और अगर आप 4 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो आपको एक गारंटर की ज़रूरत होती है या कोई एसेट आपको मॉर्गेज करानी पड़ती है। तो गाइस, जो लिमिट होती है डोमेस्टिक, अगर आप इंडिया से ही कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल, JEE कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको 5 से 15 लाख तक का लोन ईजिली मिल सकता है। और अगर आप एब्रॉड से कर रहे हैं, विदेश से कर रहे हैं, तो 15 से 25 लाख का लोन इसमें मिलता है। और गाइस, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो ID प्रूफ, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट की होनी चाहिए जो बैंक आपसे मांगते हैं। और गाइस, अगर आप उसकी बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, और जो नॉर्मल होता है 11 से 14 सारे बैंक लेते हैं, बट SBI में 12 से 13.5% तक का लोन है, परसेंट इंटरेस्ट है। HDFC में 12 से 14%, एक्सिस में 15 से 18%, और कुछ जो बैंक होते हैं वो लड़कियों के लिए काफ़ी, गर्ल्स कैंडिडेट्स, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी कम उस पर ब्याज दर पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ साझा करना चाहूँगा, अगर 4 लाख से आप ऊपर का लोन लेते हैं तो आपको पूरा लोन नहीं मिलता है, आपको खाली उसका 80% ही मिलता है। जो 20% होता है उसको मार्जिन मनी भी बोलते हैं, वो बैंक एज अ कमीशन रखता है। और 4 से अगर 7.5 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई प्रॉपर्टी पेपर्स या अपनी कोई एसेट आपको दिखानी होती है, मॉर्गेज करानी होती है, ताकि बैंक उसकी वसूली कर सके। और एब्रॉड के, अगर आप एब्रॉड एजुकेशन के लिए आप अगर लोन ले रहे तो आपको वीज़ा और GMAT स्कोर आपको बैंक में सबमिट कराना होता है। और रिटर्न की बात करें कि बैंक रिटर्न इसकी कैसे लेता है, सबसे पहले तो गाइस, जो बैंक लोन लेता है उससे सबसे पहले वो वसूली देखता है कि मैं इस पार्टी से हमें रिटर्न आने वाली है नहीं आने वाली है, पहले वो अपनी वसूली सुनिश्चित करता है, तो इसी बेस पे वो लोन देता है आपको। फिर अगर रिटर्न की बात करें तो आप कैसे कैसे रिटर्न दे सकते हैं, तो आप कोर्स के बाद रिटर्न दे सकते हैं तुरंत, और जब आपकी जॉब लग जाती है उसके 6 महीने बाद से आपकी AMI स्टार्ट हो जाती है, हर महीने आपकी सैलरी से AMI कटती रहती है लोन की। और जो एक ऑप्शन होता है कि कोई जॉब नहीं, उसके बाद आप जैसे ही आपका कोर्स पूरा होता है आप EMI भरना चालू कर सकते हैं। गाइस, एजुकेशन लोन लेने से जो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट होता है, मींस बेनिफिट ये होता है कि आपको छूट मिलती है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, यानी कि जो इनकम टैक्स का ATE जो एक्ट है उसके तहत जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे, आप अपनी इनकम टैक्स में से पर ईयर उसे डिडक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये होता है इसका फ़ायदा। और गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप एजुकेशन लोन क्या क्या कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं गाइस, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है लोन लेना, बाकी
इंजीनियरिंग और बाकी कोर्सेज के लिए भी मिल जाता है, बीए बीकॉम इन सब के लिए भी लोन मिलता है, बट जो मेडिकल होता है उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है आपको लोन लेना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में नई जानकारियों के साथ। और इस टाइप की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में करके बताएं, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।